हेलो ऑल, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आईपीएल 2024 ने तो पेस पकड़ लिया है, तो आइए आज बात करते हैं इसी आईपीएल के बारे में, जिसके टॉप 5 मोमेंट्स ने इस आईपीएल को अलग लेवल पे लेके गए, चाहे वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस रहे, टीम परफॉर्मेंस रहे या कुछ इमोशनल कनेक्ट रहे। देखिए, आईपीएल शुरू होने से पहले बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे जिसने सबकी नजरें अपने ऊपर ले ली, चाहे वो हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा का सिचुएशन रहे, द कैप्टनसी स्वैप जिसमें हुआ, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस की तरफ ट्रेड हुए, या वो ऋतुराज गायकवाड नए कैप्टन सीएसके के बने, और धोनी थाला का वो लास्ट कैप्टनशिप सबको याद रहे। तो बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे रहे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे आईपीएल का फर्स्ट बॉल जब से डाला गया तब से अभी तक जो लास्ट मैच हुआ तब तक। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हुए जिसमें एक वाव फैक्टर था, जैसे आंद्रे रसल की आपने बैटिंग देखी, वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो सिक्स सिटिंग, वो सुनील नारायण का सिक्स सिटिंग, वो हर्षित राणा का स्पेल, वो बटलर का 100, विराट कोहली का 100, इसमें बहुत सारे वाव फैक्टर जैसे एक एलिमेंट था, चाहे वो अभिषेक शर्मा की बैटिंग रहे या वो निकोलस पुरान की बैटिंग, चाहे वो हर्षित राणा का वो स्पेल रहे या वैभव अरोरा का वो स्पेल, तो इसमें बहुत सारे एक वाव फैक्टर है। इवन द पिंक प्रॉमिस जो इनिशिएटिव था राजस्थान रॉयल्स का वो, या फिर 18,000 स्टूडेंट्स को जो एडुकेशन एंड स्पोर्ट्स का प्रमोशन के लिए एक मुंबई इंडियंस का इनिशिएटिव है, इन सारे फैक्टर्स में वो वाव फैक्टर हम देख सकते हैं। लेकिन मेरे लिए जो 5 मोमेंट्स अगर मैं जब चूज कर रहा था तो बहुत डिफिकल्ट गया, बिकॉज आप अलग से 5 मोमेंट्स अगर कैलकुलेट करें तो आप इंडिविजुअल ब्रिलियंस की तरफ मूव होते थे, कुछ टीम परफॉर्मेंस की तरफ मूव होते हैं। तो आइए मेरे 5 मोमेंट्स यहाँ पे मैं आपके सामने रखूंगा, आप भी कमेंट सेक्शन में आपके 5 मोमेंट्स जरूर हमें बताइए कि कौन से आपको ऐसे मोमेंट्स लगे जो इस आईपीएल को अलग लेवल पे लेके गए। नंबर फाइव पे उसी पर्सन के बारे में हम लोग बात करेंगे जिसके पेस ने इस आईपीएल में सबके आंखें खुले कर दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मयंक यादव का वो जो स्पेल था, वो स्पीड 155.8 पहले दो, फिर 156.7। जी हाँ, मयंक यादव की वो जो स्पीड है, और ये स्पीड ऐसा नहीं कि आईपीएल में फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, हमने उमरान मलिक को भी देखा, हमने लॉकी फर्ग्यूसन को देखा है, हमने बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स को इसी स्पीड या इससे ऊपर के भी देखा है, लेकिन एक इंडियन प्लेयर जो कि इस पेस से बॉलिंग डाल रहे हैं, कंसिस्टेंटली इस पेस से डाल रहे हैं, हमने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी उनकी कंसिस्टेंटली स्पीड देखी थी, लेकिन आईपीएल में ये स्पीड से बॉलिंग कंसिस्टेंटली वो डाल रहे हैं, और वो भी लाइन और लेंथ के साथ, तो वो बन जाते हैं हमारे नंबर 5 मोमेंट्स ऑफ द आईपीएल टिल नाउ। उसी के साथ मैं जोड़ूंगा कि मेरे नंबर 5 में उनके साथ जो प्लेस लिया है वो था ईशांत शर्मा का वो यॉर्कर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईशांत शर्मा का, आंद्रे रसल को जो यॉर्कर उन्होंने डाला, और जो आंद्रे रसल ने भी बैट उठा के जो क्लैप किया था उस मोमेंट के बारे में, वो है हमारा नंबर 5 मोमेंट ऑफ आईपीएल 2024। नंबर 4, मुंबई इंडियंस बहुत एक अलग सिचुएशन से गुजर रही है, या फिर गुजर रही थी हम कहेंगे, सारे प्लेयर्स जो बातें बाहर आ रही थी कि प्लेयर्स के बीच में कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है, थोड़ा माहौल खराब है, इस माहौल को मुझे लगता है एक मोमेंट की जरूरत थी, और वो मोमेंट दिया रोमारियो शेफर्ड ने। जी हाँ, रोमारियो शेफर्ड का जो लास्ट ओवर में 32 रन स्कोर करना अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल, दैट ब्रॉट स्माइल्स टू एवरीवन, उन्होंने सारे स्माइल्स आगे लाए, और ना केवल वो तो पूरे मुंबई इंडियंस के खेमे में दिखा कि यस नाउ वी कैन प्ले एज अ टीम, और वही ओवर ने मुंबई इंडियंस को जीत भी दिला दी 29 रन से अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। नंबर 3,
42 रन एंड 43 को अभी अप्रोच कर रहे हैं मिस्टर थाला एमएस धोनी। जी हाँ, हम बात करें एमएस धोनी का, वो जो कैच था, वो कैच और वो जो 37 रन उन्होंने स्कोर किया, वो विंटेज धोनी स्टाइल, वो हमारा बन जाता है मोमेंट नंबर 3। देखिए, धोनी के रिटायरमेंट के बारे में सब लोग बात कर रहे, धोनी ने ऑपरेशंस भी किया, उन्होंने कहा भी था कि उनका लास्ट मैच जो होगा वो चेन्नई में ही होगा, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा और चेन्नई में होगा। और देखिए, इस आईपीएल का फाइनल भी ऑलरेडी 26 मई को ऑलरेडी डिसाइडेड है, वो चेन्नई में होगा। तो क्या धोनी ने उतना आगे का प्रेडिक्शन कर लिया था? हम ये देखने लायक होगा और आगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे चल के भी। लेकिन धोनी का वो जो कैच और वो 37 रन्स, वो बन जाता है हमारा मोमेंट नंबर 3। तो मोमेंट नंबर 2, 2022 में दिसंबर में एक हादसा हुआ जिससे हमारे सबके प्यारे ताबड़तोड़ बल्लेबाज, विकेट कीपर, बैट्समैन और जो स्पाइडी हम जिसे कहते हैं ऋषभ पंत, जी हाँ, ऋषभ पंत इंजर्ड हुए, एक्सीडेंट हुआ और पता नहीं था कि कब वापस करेंगे। 2022 गया, 2023 गया, 2024 आया और सब वेट कर रहे इस मोमेंट के, और वो मोमेंट फाइनली आईपीएल 2024 में आ गया। जी हाँ, ऋषभ पंत ने जो कमबैक किया, उस वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था सबके लिए, क्योंकि हमने देखा है ऋषभ पंत कितने आसानी से कोई भी मैच को पलट सकते हैं, चाहे वो T20 गेम रहे या टेस्ट क्रिकेट रहे। और कोई भी अभी तक हमारे टेस्ट क्रिकेट में ऐसा बल्लेबाज, विकेट कीपर, बैट्समैन हमने नहीं देखा है जो इंडिविजुअली एक कोई भी मैच को जीत सके। इसी वक्त का, इसी मोमेंट का सब लोगों को इंतजार था कि कब हमारा स्पाइडी वापस आए और अपना पहला मैच खेले और बैटिंग करे। देखिए, परफॉर्मेंस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हर मैच में ऋषभ परफॉर्म करे, लेकिन वो जो वापसी में वो जो अभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनके विकेट कीपिंग में वो जो दिखा रहे हैं, इस मोमेंट वापसी के लिए हम वो बन जाते हैं हमारे मोमेंट नंबर 2। लेकिन उसी के साथ मैं रखूंगा और एक मोमेंट में जो बहुत इमोशनल है और जो कि सबके लाइक नोबडी वुड हैव एक्सपेक्टेड, वो है रियान पराग का प्रेजेंटेशन, जो मैच के बाद जो उन्होंने प्रेजेंटर्स के साथ जो गुफ्तगू कर रहे थे, वो उसमें उन्होंने जो बोला कि यस एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग, सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनके परफॉर्मेंस लास्ट 2-3 सालों से, जो राजस्थान रॉयल्स ने लॉयल्टी दिखाई टूवर्ड्स रियान पराग और जो भरोसा किया, अभी दैट इज नाउ पेइंग ऑफ। जो परफॉर्मेंसेज रियान पराग से आ रहे हैं, उनका कहना है कि जो टीम ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, जो मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया और जो इतनी मेहनत वो डाल रहे थे, दैट इज नाउ पेइंग ऑफ। और वो बोलते बोलते बहुत इमोशनल हो गए थे। आई गेस ये दर्शाता है कि रियान पराग को इतने जो क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, उसके बावजूद भी इतना प्यार भी रियान पराग को देते हैं, और प्यार इसीलिए देते हैं क्योंकि एवरीबडी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम रियान पराग टू, और मुझे लगता है कि इस आईपीएल में दैट इज पेइंग ऑफ। और वो भरोसा है वो वापस दे रहे हैं रियान पराग, और वो इमोशनल मोमेंट था, तो हमारे लिए वो भी एक मोमेंट नंबर 2 बन जाता है। मोमेंट नंबर 1, अंडरडॉग टीम, नो वन एक्सपेक्ट कि वो इतने आसानी से इतने जल्दी परफॉर्म करें, और नया कैप्टन, ऐसे एक फ्रेंचाइजी जिन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, आईपीएल की ट्रॉफी ऑलरेडी जीती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से परफॉर्मेंसेस इतने ही नहीं आ रहे। इस बार एक नए कैप्टन के साथ आते हैं, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं, और वो अपने मैच में मुंबई इंडियंस जो कि 5 times विनर है उनके खिलाफ बनाते हैं 277 रन्स। जी हाँ, आईपीएल, इसी आईपीएल का नहीं बल्कि आईपीएल इतिहास का सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाते हैं 277 रन केवल 120 गेंदों में। ट्रेविस हेड हिट करते हैं, अभिषेक शर्मा हिट करते हैं,
सभी लोग परफॉर्म करते हैं इस मैच में और अपना स्कोर लेके जाते हैं 277 रन, क्लासें हिट करते हैं। जी हाँ, ऐसे परफॉर्मेंस हमने ना अभी तक देखी है और शायद ऐसे परफॉर्मेंसेस वापस आ सकेंगे, लेकिन जो इंटेंसिटी के साथ जो टीम एफर्ट इस मैच में दिखा वो लाजवाब था। तो ये बन जाता है हमारा मोमेंट नंबर वन। तो आप भी आपके 5 मोमेंट्स ऐसे अभी तक के इस आईपीएल के हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि कौन से आपको लगा कि कौन से मोमेंट्स है जो इस आईपीएल को एक अलग लेवल पे लेके गया है। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।